हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली बहुत ही टेस्टी खिचड़ी की रेसिपी। आपने मूंग की दाल की खिचड़ी कई बार खाई होगी, लेकिन आज मैं आपके साथ जो खिचड़ी शेयर करने वाली हूँ वो हम बनाएंगे चने की दाल से, और इतनी ज़्यादा बढ़िया बनेगी कि ये किसी भी काबुली पुलाव से कम नहीं लगेगी टेस्ट में। और आप इसे नींबू के साथ इंजॉय करें या फिर सिंपल इंजॉय करें, हर तरीके से आपको ये बेस्ट लगेगी खाने में। और बनाना बहुत ही आसान है, घंटों आपको किचन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इसे 10 मिनट में बना लेंगे प्रेशर कुकर में। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया चने की दाल, ये हमारी 100 ग्राम दाल है। और ये देखिए, बड़े जो चने की दाल आती है वो मैंने लिया है। 1 घंटे पहले से मैंने भिगो दिया था 1 कप दाल को। तो अभी मैं दिखाती हूँ, इसका साइज़ देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया पहले से। अब हम इसका पानी जो है निकाल देंगे, और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर 1 बड़े साइज़ का प्याज लंबा कट कर लिया, और यहाँ पर 8 से 9 हरी मिर्च लिए, गरम मसाला लिया है जैसे कि तेज़पत्ता, ये 4 है। इसके बाद यहाँ पर बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, सौंफ, जीरा और शाही जीरा, ये सारी चीज़ें 1-1 चम्मच है। बाद में मैंने यहाँ पे दालचीनी ले ली है, और यहाँ पे ये छबीला है। अब हम यहाँ पे जो पुलाव है, काबुली पुलाव बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल, ये हम यहाँ पे 50 ग्राम ऑयल डाल रहे हैं। इसके बाद डाल देंगे ये सारे खड़े गर्म मसाले। इसके लिए आपको कोई भी पेस्ट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही खड़े मसालों से बनाएंगे, जिससे फटाफट बनेगा और टेस्ट में बहुत बढ़िया बनेगा। और अभी ये डार्क कलर के हो गए। अब मैं यहाँ पे प्याज ऐड कर देती हूँ इसमें। प्याज को हमें टिल गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, आपको इसे कच्चा नहीं रखना है। इससे टेस्ट जो है, अगर आपने कच्चा रखा तो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, इसीलिए मीडियम फ्लेम पर इन्हें आप फ्राई कर लें 2 से 3 मिनट। और 2-3 मिनट जब आप फ्राई कर लेते हैं, तब मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए आप, बिल्कुल इस तरीके से प्याज जो है टोटली गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। अब हम ऐड कर देते हैं ये लहसुन का पेस्ट, इसके बाद अदरक का पेस्ट, ये 1 इंच अदरक का पेस्ट है। इसके बाद हरी मिर्च ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, इसके बाद लाल मिर्च पाउडर ये 1/2 चम्मच ऐड कर रहे हैं, नमक 1 चम्मच। अब हम यहाँ पे जो हमने दाल का पानी निकाल दिया था, सोख की थी दाल को, वो ऐड कर देते हैं। अच्छे से मिक्स करके हम इसे 2-3 मिनट भून लेंगे। फ्लेम को आपको एकदम मीडियम रखना है। अगर दाल अच्छे से भून जाती है तो इसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है, इसीलिए आप इसे भून लें। और ये देखिए आप, ये अच्छे से भून चुके, सारे मसाले दाल ने अब्सॉर्ब कर लिए हैं। अब हम फ्लेम को जो है लो कर देते हैं। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको कि चावल हमें कितने बनाने हैं। मैं बना रही हूँ 2.5 कप चावल, तो यहाँ पे मैंने ये नॉर्मल चावल लिए, इसीलिए इसे पहले से भिगो कर नहीं रखा। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं 5 कप पानी, जितने चावल बनाने हैं उससे हम 2 गुना पानी डालेंगे। जैसे अगर आप 1 कप बना रहे तो आप यहाँ पे 2 कप पानी डाल सकते हैं, ये बिल्कुल सही मेजरमेंट है। इससे जो चावल है बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं बनेंगे, बिल्कुल एक एक बनेंगे। और इसे थोड़ा सा मिक्स किया, अब हम इसे ढक देते हैं, फ्लेम को आप हाई कर लें और इसमें थोड़ा सा उबाल आने दें। और अभी 10 मिनट बाद ये देखिए आप, इस तरीके से इसमें हल्का सा झाग आ गया है। अब हम यहाँ पे चावल को जो है वॉश कर लेते हैं। 2-3 बार मैंने इसे वॉश कर लिया है, और जब तक आप चावल वॉश करेंगे तो ये पानी देखिए आप इस तरीके से उबाल आने लगेगा। अब हम इसमें ये चावल जो हमने वॉश किए हैं वो ऐड कर देते हैं। अब हमें इसमें डाल देना है लास्ट में गरम मसाला पाउडर, ये हम 3 पिंच डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें कुछ नहीं इसमें ऐड करना, अब हमें इसमें डायरेक्ट विसल लगानी है। तो यहाँ पे 1 लगा लेते हैं हम विसल, हाई फ्लेम पर पूरी आपको विसल लगानी है, आधी नहीं लगानी है। अब यहाँ पे हाई फ्लेम में कर रही हूँ और वेट कर लेते हैं। और ये देखिए 1 सीटी इसमें आ चुकी है। अब हम प्रेशर कुकर का प्रेशर जो है वो निकलने देते हैं, और जब इसका प्रेशर निकल जाएगा तब हम इसे खोलेंगे। तो ये देखिए अब इसका पूरा प्रेशर निकल गया है, अब हम इसे खोलते हैं। तो ये हमारी जो खिचड़ी है बनकर एकदम तैयार है। ये देख सकते हैं कितनी बढ़िया, एकदम एक चावल दिख रहे हैं। अब मैं इसे 1 प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ आपको कितनी बढ़िया बनी है। तो ये देखिए आप, कितनी बढ़िया खिचड़ी बनी है, एकदम एक एक बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनी है और इंस्टेंट है। आप एक बार प्रेशर कुकर में ये खिचड़ी ज़रूर ट्राई करिएगा, और ऐसे आप गर्म गर्म सर्व करें नींबू के साथ, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगी। और बहुत ही कम मेहनत में आप ये बना सकते हैं, ये बेस्ट रेसिपी है फ्रेंड्स। आप एक बार ये रेसिपी मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, और अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।